बंद करिए उसको, एक बार ऑर्डर दे, बंद बंद है, बंद करिए उसको, बंद है, बंद है। आरोप लगा रहे हैं कान में, प्लीज उसको एक बार सुनेंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे। आप तो बोलते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल छात्रों के जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उन पर पेरेंट्स को अब भरोसा नहीं रहा, इन पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। एंट्रेंस एग्जाम या अन्य तरह के ऑनलाइन एग्जाम पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो ऐसी गड़बड़ी आम हो गई है। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। अब सभी पेरेंट्सों को एग्जामों पर शक सा होने लगा है। आज मध्य प्रदेश के सागर में कुछ पेरेंट्स ने हंगामा कर दिया, जहां एक निजी कॉलेज पर धांधली के आरोप लगे, साथ ही निजी कॉलेज की लापरवाही भी सामने आई है। मामला डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ा है, जहां स्नातक के लिए एंट्रेंस एग्जाम विश्वविद्यालय करा रहा है, जो कई निजी कॉलेजों में सम्पन्न हो रहे हैं, जिसमें 14 कोर्सेज के लिए 2260 सीटें हैं। इसके लिए कई राज्यों के छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर में प्रवेश लेने के लिए यह एंट्रेंस एग्जाम वो दे रहे हैं। आज सागर के इन्फिनिटी कॉलेज में 4 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा था, तीसरी शिफ्ट में कुछ गड़बड़ी सामने आई। क्या कहते हैं पेरेंट्स, पहले जरा आप सुन ले किस तरह की गड़बड़ी है और एंट्रेंस एग्जाम में इन्फिनिटी कॉलेज की क्या लापरवाही सामने आई है, पेरेंट्सों से ही सुन ले। मतलब आप लोगों को सुविधाएं बताएं दी, जैसे आप लोग सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, 8 बजे से आज पेरेंट्स बैठे हुए 4 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं। लेट हो गए तो पेपर नहीं दिया, लेट हो गए तो नहीं देने देंगे। अब आज आज से मतलब 1 बजे से एंट्री हो गई थी चालू, तो 1 बजे से अभी बाहर नहीं आए, क्योंकि उनका दो पेपर थे आज, तो दोनों में देने थे, तो 3:45 पे बाहर तो आते 10 मिनट के लाते नहीं आए। क्या लगता है आपको अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की लापरवाही चल रही है? कुछ तो कुछ घपला है उधर अंदर, कुछ ना कुछ हो रहा है, बाहर भगा देते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं छतरपुर से आई हूँ। हाँ। मेरी बच्ची का 3:45 पे पेपर खत्म होना था, नाम दिया गया था पहले 11:45 पे था, तो वो बच्ची को 1 घंटा बाहर किया गया कि चाय नाश्ता कुछ भी कर लो, उसके बाद 2 पे अंदर ले लीजिए। अब 2 के बाद में अभी तक बच्चे को छोड़ा नहीं गया है, कह रहा है मिस्टेक हो गई है, कहीं इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम में हो गया है, हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम में हो गया है, बस ये बहाने बनाए जा रहे हैं। बच्चों की जो लास्ट एंट्री थी, जो जहां 3:30 पे एंट्री होना था, 3:30 से शुरू होना थी एंट्री, जो 4:45 पे एंट्री चालू की गई है, इन लोगों ने सबने 4:45 पे एंट्री लास्ट पेपर वाली चालू की गई है। कितने बजे होनी थी वो एंट्री? वो एंट्री होना थी 3:30 से चालू थी और 4:30 तक स्टार्ट होनी जी। हाँ, आप बताएं। मेरी बच्ची का 2 पेपर है इधर, वो 2 बजे से अंदर है, उसको 3:45 पे बाहर आना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई बाहर ना। किस तरह की आप धांधली समझ रहे हैं इसको? धांधली ऐसी इनकी लापरवाही है, जब स्कूल ही में मास्टर लोग लापरवाही कर रहे हैं तो हम कहाँ पढ़ाएंगे? 2 कमरों के बस बच्चे बैठा, 2 बच्चों के, 2 कमरों के बच्चे अंदर हैं, बाकी इन्हें निकाल दिया। उनको क्यों निकाल दिए? उनका सही था, अब इनका इन्हें कैसे क्या किया, एक ही सेट सबको बांट दिया या क्या लापरवाही हुई? अब बिना से आए हम 7 बजे छूटेंगे, कब पहुंचेंगे? राम बाबू यादव मैडम ने तो इतनी मतलब मैडम ने तो इतनी असभ्यता से सबको बाहर निकाला है, पूछिए सर से, पूछ सबसे पूछ लीजिए, गार्ड लोगों से बाहर निकालो, बाहर फेंको इन लोगों को, निकालो। 1500-1600 फीस दे के और इधर धूप में बैठे हैं, पूरा दिन हो गया, 2000 के हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, वहाँ से इतनी दूर से आ रहा है, 2-2, 5-5 हजार खर्च कर रहा है, ऐसे भगाया जा रहा है जैसे इनमें बिल्कुल सभ्यता ही नहीं हो बोलने की, वो मैडम है। क्या चाहते हैं अभी आप? हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई बच्चों से पूछा जाए कि कैसे क्या ये पेपर कैंसिल कराएगा, कैंसिल करा के दोबारा हो, इसके क्या गारंटी के पेपर कैंसिल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह की अगर धांधली है तो उनकी मान्यता के लिए क्या बिल्कुल रद्द की जाए मान्यता? तो पेरेंट्सों के आरोप आपने सुने, कुछ बच्चों को जो लापरवाही के तहत प्रबंधन ने गलत पेपर पकड़ा दी और फिर जब उनका एग्जाम हो गया तो
जिन छात्रों को गलत पेपर लापरवाही के तहत पकड़ाए थे उन्हें दोबारा से एग्जाम प्रबंधन दिला रहा था, जो एक बड़ी चूक है। खुद प्रबंधन ने भी पेरेंट्स के सामने इस बात को स्वीकार किया है। बंद करिए उसको, एक बंद 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 करिए उसको, बंद है बंद। आप तो बोलते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम वो नहीं होगा तो आप बात करिए, पूरा सोल्यूशन दे। एक बच्चे को दो दो पेपर, मतलब एक अचानक दूसरा पेपर दिया जाएगा, आप ये बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या होगा मैडम, हम उसका कैंसिलेशन करके दूसरा पेपर दे रहे हैं ना, उतना ही टाइम दे रहे हैं, उतना ही टाइम दे रहे हैं। की बात करने का लहजा ठीक है, आपने कहा थोड़ा सा पसंद। मैडम तो ऐसे कह रही है जैसे हम लोग बिल्कुल गवाह, मतलब मैं भी बात करती हूँ, मैं भी मैडम मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैंने उनको बोला। मैडम ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं आया है। ये लोग ऐसे नहीं आए हैं, सारे पेरेंट्सों ने बुलाया है, ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, वो दो लड़कियां थी उनकी। इन्फिनिटी कॉलेज की लापरवाही को देखते पेरेंट्सों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हम फिर कहते हैं कि गड़बड़ी तो हो रही है गुरु, पकड़ में आए तो ठीक है, ना पकड़ में आए तो गड़बड़ी बदस्तूर जारी है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केविन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सैमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन, लिंक रोड, मकरोनिया, सागर।